पता नहीं था अर्थ पर आकर इतना काम करना पड़ेगा। किसी का घर सेटअप करना पड़ेगा। ये एलियन फॉर्म ही अच्छा था। टेंटिकल से ये सब काम कितना इजीली हो जाता। ये ह्यूमंस इतने सामान का करते क्या है? हीरो बनने की क्या जरूरत थी मुझे? मम्मी पापा उठो आर्या। हाँ? कुकी तुम किसी खराब ट्यूबलाइट की तरह टिमटिम क्यों कर रही हो? कान खोल के सुनो, सुप्रीमो का ऑर्डर है कि सबकी बैटरी 50% चार्ज रहनी चाहिए। अब बताओ सबकी चार्जिंग कितनी है? मेरी चार्जिंग 45% है। मेरी 40% है। और कुकी मम्मी आपकी? मेरी 1% है। क्या? आजकल तो बच्चे भी मोबाइल की चार्जिंग तुमसे ज्यादा रखते हैं। लो चार्जिंग में तुम ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह पाओगी, और अगर किसी ह्यूमन ने देख लिया तो वो समझ जाएगा कि तुम ह्यूमन नहीं एलियन हो। देखिए अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाके खुद को चार्ज करो जल्दी। चार्जिंग तो पहले मैं ही करूँगा, किसी को मौका नहीं दूंगा। सबसे पहले मेरा चार्जिंग। मेरी बैटरी तो बस 1% पे है, मेरा तो ऑन ऑफ का सवाल है, इसलिए सबसे पहले चार्ज मैं करूंगी। पर जो पहले जाएगा वही पहले चार्जिंग पाएगा। अरे तोड़ डाला। चार्जिंग चेयर एक और चार्ज करने वाले 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये तीनों एक कुर्सी के लिए लड़ने लग गए। ह्यूमंस वाली क्वालिटी आ गई है इनमें। कुमार्स तो फॉरेन गए हुए हैं, फिर इतनी रात को उनके घर की लाइट्स ऑन है, घर के अंदर से आवाजें भी आ रही हैं। क्या घोटाला है? मिसेस घोटाला को देखना पड़ेगा। अरे ये टेंटिकल्स तो फंस गए। कुकी छुड़ाओ। तुम हटो अभिमन्यु। गाइस बुरे फंस गए। अरे चुप रहो। घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। कुकी सबसे पहले चार्जिंग तुम करोगी। ह्यूमन से सामना हुआ तो सारा मिशन फेल हो जाएगा और हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है ठीक है। इतनी जल्दी चार्ज तो टर्बो मोड पर भी नहीं होगा। अभिमन्यु तुम्हारे पास तो 45% चार्जिंग है ना, जल्दी से अपने ह्यूमन फॉर्म में आओ। पर मैडम आर्या, मैं अपने एलियन फॉर्म से ही पता कर पाऊंगा कि बाहर कौन आया है। लगता है ये कोई ह्यूमन है जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाना ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए तो ये हमारे दरवाजे पे कान लगाए खड़ा है। आर्या भी तो यही करती है। अरे कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? मुझे पुलिस को बुलाना होगा। ये पुलिस कौन है? इसका कोई दोस्त है क्या?
ओफो, थोड़ा ह्यूमंस पर होमवर्क कर लिया होता तो ऐसे बेकार के सवाल नहीं पूछते। जब भी ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन अगर पुलिस यहाँ आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमें इन्हें रोकना होगा इससे पहले कि ये पुलिस बुला ले। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि पुलिस प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे खड़ी होगी? तुम्हें समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, पहले इन्हें संभालना होगा। ओके बॉस। इनके शक के दरवाजे बंद करने के लिए हमें घर के दरवाजे खोलने होंगे। तुम लोग कब आए? तुम तो फॉरेन में थे ना? हम फॉरेन से फॉरेन आ गए, आप कौन? तुम अभिमन्यु नहीं हो सकते, क्योंकि अभिमन्यु अपने सबसे फेवरेट पड़ोसी मिसेस घोटाला को कभी नहीं भूल सकता। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था कि आप में कुछ घोटाला है, लेकिन आप तो मिसेस घोटाला है ना। मैं ये कह रहा था कि आप कौन कौन से मौके पर आए हैं। हम भी अभी अभी आए हैं और आप भी अभी अभी आए हो, क्या टाइमिंग है। सही टाइम पर सही जगह पर पहुँचने की मेरी आदत जो है। जगह तो सही है लेकिन टाइम थोड़ा लेट हो गया ना आंटी, रात के 11 बजे हैं और अगर आप नहीं गई तो 12 बज जाएंगे। एक बार अपनी बेस्ट फ्रेंड कोके से तो मिल लूं। अरे आंटी। कैसे हो नवीन? अरे और कुकी कहाँ है? हाँ नवीन, कुकी कहाँ है? क्या नवीन, कुकी, आर्या, तुम अपने मम्मी पापा को उनके नाम से बुलाने लगी? अरे फॉरेन क्या गई, एलियन हो गई। एलियन? मेरा मतलब है इंडिया के कल्चर से एलियन हो गई, अनजान हो गई। वो क्या है ना मिसेस घोटाला, बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली बात कर लो तो सर पे चढ़ जाते हैं। क्यों बेटा आर्या, सॉरी बोलो पापा को। सॉरी पापा, गलती से मुँह से निकल गया। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। एनीवे ये बताओ कि कुकी कहाँ है? वो बाथरूम गई है। ओह, मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्या? देखिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बाथरूम में तो कुकी है ना। नवीन तुम तो बड़े मजाकिया हो गए हो, मेरा मतलब था जल्दी से कुकी से मिलवा दो, अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। वाओ, तुम फॉरेन से रिक्लाइनर चेयर लेकर आए हो? मैंने बहुत बार इसे दूर खड़े रहकर देखा है, आज इस पर पास जाकर बैठूंगी। रुकिए आंटी, हमने अभी तक उसे ओपन नहीं किया। लगता है इसकी ओपनिंग मेरे हाथों ही होनी है। सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचने की मेरी आदत जो है। वाह, मिस्टर घोटाला को बोलकर ऐसी ही चेयर मंगवाऊंगी, बैठ कर देखती हूँ। कुकी, मैं यहाँ। ये चेयर तो बड़ी कंफर्टेबल है, इसमें कुछ फीचर्स भी होंगे ना? हाँ आंटी, इसमें एक ऐसा फीचर है जो किसी भी चेयर में नहीं है, एक गुदगुदी फीचर। आप बटन दबा के तो देखो। इतना तो मैं कभी कुकी के जोक्स पर भी नहीं हंसी जितना इस चेयर के गुदगुदी पर हंस रही हूँ। ये तो कुछ भी नहीं आंटी, ये चेयर तो आपको हवा में भी उड़ा सकती है। नहीं नहीं, ये ज्यादा हो गया, अब तो तुम हवा में बातें उड़ा रहे हो। यकीन नहीं होता तो वो ग्रीन बटन प्रेस कीजिए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तो सच में हवा से बातें कर रही हूँ। इतनी रात को हमें चक्कर दे दिया, अभी थोड़ा आपको चक्कर देती हूँ। ये कौन सा चक्कर है जो मुझे घन चक्कर बना रहा है? Oh no, Hoki!
5% चार्ज है। तुम्हारी बैटरी? मम्मी का कहने का मतलब है उनकी फोन की बैटरी सिर्फ 5% चार्ज है। बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, जल्दी कुछ करो। अरे इतनी रात को कौन तुम्हें फोन करेगा? कुछ लोग हैं जिनकी टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी टपक पड़ते हैं। कुकी से बातें हो गई, अब बाकी बातें सुबह। अरे नहीं नहीं, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। कुकी, इसे तो मैं ही चार्ज कर दूंगी अपने गॉसिप से। इनकी बैटरी हमेशा ओवरचार्ज रहती है क्या? चुप करो। कुकी, टॉम तुम्हें बहुत मिस करता है। अभी टॉम कौन होगा? लगता है इनका बेटा होगा। टॉम आपका बेटा ना, कैसा है वो? टॉम मेरा बेटा नहीं, टॉम यानी मेरा डॉग टॉमी। तुम्हें इतना भी याद नहीं? आंटी आप अपने टॉम को अपने बेटे के जैसे प्यार करती है ना, इसीलिए मम्मी ने टॉम को आपका बेटा कहा। फिर ठीक है, वैसे जब से तुम गई हो कुकी, टॉम ने तो भौंकना ही छोड़ दिया है, बिल्कुल साइलेंट डॉगी बन गया है। आइडिया, अब ये साइलेंट डॉगी वायलेंट डॉगी बनकर हमें बचाएगा। आप लोग बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये अभिमन्यु तो बड़ा ही सेल्फिश निकला, हमारी नींद उड़ा के खुद सोने चला गया। उठो प्यारे टॉम। हेलो टॉमी, जोर से भौंको और जोर से। सॉरी टॉम, तुम्हारी नींद खराब की, पर अगर तुम नहीं भौंके तो आज एलियंस का सीक्रेट आउट हो जाएगा। हाँ, ये आवाज, इसका मतलब अभिमन्यु टॉमी के पास गया है। आंटी आंटी, ये टॉमी की भौंकने की आवाज है ना? हाँ, ये तो मेरे टॉमी की आवाज है। पर आप तो कह रही थी कि टॉमी भौंकता ही नहीं है, तो आज क्यों भौंक रहा है? आप चोर के चक्कर में हमारे घर तक पहुंची थी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉमी ने सोसाइटी में कोई असली चोर देख लिया हो और वो भौंकने लगा? असली चोर? मुझे पुलिस को खबर करनी होगी। पर पहले चोर का तो पता लगाइए। हाँ, मैं अभी चोर तक पहुँचती हूँ। बच गए। कुकी, तुम्हें तो मैं ही चार्ज करूंगी अपनी गॉसिप से कल सुबह। चार्ज खत्म तो खेल खत्म। सच में मिसेस घोटाला के एंट्री और एग्जिट टाइमिंग से तो टेंटिकल्स खड़े हो जाते हैं। मैं आ गया। अभिमन्यु, मुझे ऐसा लगा कि तुम हमें मुसीबत में छोड़ के चले गए। अभिमन्यु कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। थैंक यू अभिमन्यु। थैंक यू अभिमन्यु। नो सॉरी नो थैंक यू, अभिमन्यु इज ऑलवेज देयर फॉर यू।